इसलिए मैं कह रहा हूं, एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आए, नदी पार किया, खड़ी पार किया, नाव नहीं, नदी पार जलसा सुना। हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत है, घुटना से, ये घुटना से, घुटना से ऊपर यह है ना, यह हिस्सा, ये सितरे औरत है। इस हिस्से को भी छुपाना जरूरी है, इस हिस्से से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। हजरत तकरीर कर रहे थे, दादा पोता तकरीर सुना, सारे लोग तकरीर सुने, दुआ हो गई, जलसा खत्म हो गया। अब दादा पोता फिर घर चले, नदी पार किए, तो नाव तो है नहीं, कश्ती है नहीं, पैदल पार करना है। तो दादा आगे थे, पीछे पोता था। जब नदी पार किया तो दादा की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, तो बोले कना लुंगी भींगे ले। बोला मामूली साहब तकरीर कर ली सुन रहा नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। तो दादा बोलियो ती मौलवी के चक्कर में पड़ गया, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से जलसा सुनने नदी के उस पार जाते हैं, हम जो वहां सुनते हैं वही छोड़ देते हैं, हम इधर लेके नहीं आते। ते हमरा देख ले नी लुंगी खोल लान मथा में बह लान दरिया पार भाग ला सार में। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, इस जमीन पर जब कोई बंदा गुनाह करता है, कोई बंदा जब गुनाह करता है, मान गए जिना करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के ऊपर में जुल्म कर दिया, तो ये जमीन कहती है कि या अल्लाह तू इजाजत दे दे मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर मैं समेट लूं। समंदर कहता है कि या अल्लाह ये तेरा गुनहगार बंदा है, तू इजाजत दे दे मैं चढ़ जाऊं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये गुनहगार बंदा तेरा ही जा, तेरी इजाजत हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं। तो मेरा अल्लाह कहता है ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, ए जमीन खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा है वो, कभी तो तौबा करे। मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा जाने मैं जानू, वो गुनहगार है सही है, वो मेरा बंदा है ना, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करे, कभी तो तौबा करेगा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, रब की बारगाह में तौबा कर ले कि या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, तू माफ कर दे। अरे मूसा अलैहि सलाम का जमाना है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश का होना बंद हो गया, लोग परेशान हो गए, जानवर मरने लगा, बूढ़ा तड़प रहा है, बच्चे बिलक रहे हैं, सारे लोग मूसा अलैहि सलाम के पास आए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ कीजिए अल्लाह अपनी रहमत को बरसा दे। तो मूसा अलैहि सलाम 70,000 लोगों को लिए, कितने लोगों को लिए भाई, अरे भाई बोलो भाई कितने लोगों के लिए, 70,000 लोगों के लिए मैदान में गए, मैदान में जमा हुए और सारे लोगों को लेकर दुआ करी कि अल्लाह ये 70,000 लोग हम लोग जमा हैं, ए अल्लाह हम सब की दुआ कबूल कर ले, पानी बरसा दे। तो गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे मूसा, मेरे पैगंबर, मेरे नबी सुनो, ये तुम्हारे 70,000 जो बैठा है ना, इसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो निकलेगा नहीं हम बारिश नहीं बरसाएंगे, जब तक वो, अरे भाई बोलो भाई, बारिश नहीं बरसेगी। तो मूसा अलैहि सलाम ने वो 70,000 लोगों में से कहा भाई कौन है, भाई वो गुनहगार कौन है, निकल जा इस मजलिस से, निकल जा, तेरी वजह से अल्लाह की रहमत से हम लोग महरूम है, निकल जा। तो जो बंदा था ना, जो बंदा था गुनहगार, वो दाएं बाएं आगे देखा कि हो सकता है कि हमसे भी बड़ा कोई गुनहगार हो, शायद वो निकले, लेकिन कोई नहीं निकला। ये समझ गया कि मैं ही हूं, हम ही हैं, मेरे अलावा और कोई गुनहगार नहीं है। तो सोचा कि इस वक्त अगर मजलिस से निकलेंगे, जलसगाह से निकलेंगे, तो लोग क्या कहेगा कि कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा खताकार है, कितना बड़ा मुजरिम है ये, कि जिसकी नहूसत की वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत को रोक रखा है। तो वो शख्स नहीं निकला, वहीं बैठे बैठे ना एक रुमाल अपने चेहरे पे रखा, गमछा, और बोला कि या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ, या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ, या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं,
हम गंदे हैं, आखिर है तो तेरे बंदे मेरे मौला। मौला हम गुनाह करें तो तौबा करने किसके दर पर जाए, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं। या अल्लाह हम सिद्क मन से, तबीयत से, दिल से तौबा करते हैं, मेरी तौबा को कबूल कर ले। इतना कहना था, बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते बादल घेर लिए चारों तरफ से, ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है, कहा कि या अल्लाह अभी तूने तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो वो निकला नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मुसलमानों तरफ जाओगे। अल्लाह ने कहा मूसा जिसकी वजह से बारिश रोक रखा था उसी के तुफेल बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह, बोला नवाज। जिसकी वजह से बारिश को मैंने रोक रखा था ना, उसी के सदके में, उसी के तुफेल मैंने बारिश बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो कौन तेरा बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया मूसा जब मेरा वो नाफरमान था, हम उसको कभी रुसवा नहीं किए, अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब उसको हम रुसवा कैसे करें, अब हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदे से, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे बच्चों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे रब को हमेशा मददगार पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह अगर शैतान वरगला दे, गुनाह कभी हो जाए, गुनाह कर बैठो तो घबराना नहीं, तुरंत अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। अगर जहेज लेना जायज़ होता हलाल होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, क्या आप ही लोगों के लिए छोड़ देते कि तुरहस नहीं ला हमारा नहीं ले लो। आपने किसी आलिम को देखा है कि शादी किए हैं वो और जहेज मांग कर लिया हो? किसी आलिम को देखे? मुफ्ती साहब को देखे हैं, शेखुल हदीस को देखे हैं, तबा ताबईन को देखे, अकाबिरीन को देखे, अल्लाह के वलियों को देखे, सहाबाए कराम को देखे, अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, क्या किसी रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब ने जहेज लिया हो? जब अल्लाह के रसूल ने नहीं लिया, सहाबा नहीं लिए, तबा ताबईन ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, मुहद्दिस ने कराम ने नहीं लिया, मुफक्किरीन ने कराम ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, उलमा जब नहीं ले रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं ले रहे हैं, तो आप कितना बड़का काजी हैं जो आप जहेज ले रहे हैं? सूद खाना क्या है बोलो भाई? अरे भाई बोलो भाई, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, जहेज लेना, बोला बताओ इकरा। अच्छा कितना आदमी पहले से घर बना कर रखता है जहेज के लिए? रूम बन के तैयार है, खाली रूम जियो, बोले मुन्ना अगर बिहार नहीं थी, जहेज आती तो गृह में डूबती। अच्छा एक चीज ये बताओ, जिस लड़की वाले से, ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो, एक चीज ये बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लीजिएगा, तो जिस लड़की को आप बीवी बनाइएगा उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मेरे बाप से मेरा शौहर पैसा मांग रहा है। अच्छा पैसा दे दिया तो बेटी को पता चलेगा, बाप तो बोलेगा इतना पैसा लिया उन लोगों ने, तो बताओ वो बीवी सच्ची मोहब्बत करेगी? अरे सच्ची मोहब्बत करेगी, वो तो अंदर अंदर जलेगी कि कैसा लालची आदमी है मेरा शोहर बना है, मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिया। वो दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो ना भाई, इज्जत करेगी? वो मैके ससुराल आ जाएगी, कभी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोलो तो नट्टियां दबा खत्म कर दो, बहुत जहेज लिए हो। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि ना हम जहेज लेंगे, ना हम जहेज देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह हाथ उठाना, ईमानदारी के साथ उठाना। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा,
अरे जे लाल लाज वापस करो ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज तो ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह हमारे नौजवानों को एक बात याद रखना, नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फरमा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज़ कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और जहेज लेकर ब्याह करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा भाई, जिस काम का। अच्छा सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में किस चीज में बरकत है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाल्लाह, निकाह करो। अरे भाई बोलो भाई, निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाजा खोल देगा, रोजी का दरवाजा खोल देगा, कारोबार का दरवाजा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाज़त दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो, अरे बोला नहीं हो, तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो, अरे बोलो ना भाई कर लो। इसके बाद अगर पसंद है तो, ये पसंद नहीं है तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ तो। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रोबा, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाजत दे दिया। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली ब्याह करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा। एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा। एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए, तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना। 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना। अगर इंसाफ नहीं कर सके तो एक ही काफ़ी, इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफ़ी है। और हलाल रोजी कमा कर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो, शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो। तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह कहते मर जाओ,